आजादी के 75 साल बाद भी अगर किसी गांव को बिजली, सड़क, पानी का इंतजार हो तो आप क्या कहेंगे? हम में कईयों को ये बात सामान्य लग सकती है क्योंकि हम अपने आसपास के गांवों में ऐसा देखते आए हैं। हमने तरक्की की है लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो जीने की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। राजस्थान के करौली जिले का डांग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी विकास की बाट जो रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर किसी गांव को बिजली, सड़क, पानी का इंतजार हो तो आप क्या कहेंगे? हम में से कईयों को ये बात सामान्य लग सकती है क्योंकि हम अपने आसपास के गांवों में ऐसा देखते आए हैं। हमने तरक्की की है लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो जीने की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। राजस्थान के करौली जिले का डांग क्षेत्र एक ऐसा ही इलाका है जो अभी भी विकास की बाट जो रहा है। यहाँ से आने वाली तस्वीर झकझोर की है। यहाँ पानी के लिए जमीन पर, पथरीली जमीन पर लोगों को मीलों चलना पड़ता है। पानी भरने का काम अधिकतर महिलाएं करती हैं। इनके लिए जीवन हर दिन कुआं खोदकर प्यास बुझाने जैसा है। दैनिक भास्कर जैसे अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक करौली, सपोटरा, कैला देवी, करणपुर, मंडरायल के डांग क्षेत्र में बसे करीब 250 गाँव में बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल और दूरसंचार जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इलाके में सर्व समाज समिति की ओर से सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे करौली केला देवी से और करणपुर के बीच में 30 किलोमीटर के एरिया में अधिकतर मीणा बहुल, एससी बहुल और गुजर बहुल क्षेत्र है। इसमें आज तक भारत को अंग्रेज जिस स्थिति में छोड़ गए थे वो स्थिति आज है। हमारे क्षेत्र में आज तक रोड, लाइट, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था की आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। कई किलोमीटर चलने के बाद यहाँ जो पानी मिलता भी है वो पीने योग्य नहीं होता। इसका रंग हरा होता है। हरे रंग का पानी पीते हैं लोग। जहाँ पर भैंस खड़ी होती हैं, पेशाब करती हैं, जहाँ पर गोबर करती हैं, उसी पानी को लोग ऐसे आंचलों से भर भर के पीते हैं। ऐसे गांव जहाँ मंडरायल से लेकर के नांदौती का पानी का पाइपलाइन जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर जिन गांवों के बीच से जा रहा है, उन गांवों में 75 साल से पीने को पानी नहीं है। उलीचा करके लोग खड्डों में से उलीचा कर करके पानी पीते हैं। कपड़े को थोड़ा सा पानी आता है रात को, उसके अंदर में डुबाते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, फिर 5 बार छानते हैं और फिर अगर कुछ पानी ढंग का बचा तो फिर उसको पीते हैं। ये तो स्थिति है। हम मोबाइल फोन बांट रहे हैं। बात सिर्फ पानी की नहीं है, यहाँ तो सड़क तक नहीं है। इस इलाके में रोजमर्रे का आना जाना तो एक चुनौती है ही। अगर किसी को इमरजेंसी में अस्पताल का रुख करना पड़े तो फिर भूल जाइए। चंद किलोमीटर चलने में कई कई घंटे लग जाते हैं। इलाके के जानकार बताते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में भी सबसे अधिक भुक्तभोगी यहाँ की महिलाएं ही हैं। अगर आप यहाँ कभी आए तो 9 किलोमीटर चलने के लिए आपको 2.5 घंटे लगेंगे। यहाँ पर इतनी हालत ख़राब है कि महिलाएं प्रसव के दौरान जब अस्पताल जाती हैं तो आधे रास्ते में ही इनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो प्रसव में महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी उम्र औसतन 18 से 23 साल की होती है और अगर हमारी चाइल्ड बियरिंग वुमेन अगर इस उम्र में उनका देहांत हो जाता है सुख सुविधाएँ होने के नहीं होने की वजह से तो ये बहुत शर्मनाक बात है। डांग क्षेत्र में सड़क बनाने की लंबी चौड़ी बात हुई, सरकारी फरमान भी जारी किया गया लेकिन फिर वह भी निरस्त हो गया। अब जैसे ये चिट्ठी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर से निकली। विषय है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला करौली में संपर्क सड़क राहिर के निर्माण हेतु 12 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन। आगे लिखा है, महोदय, उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा दिनांक 5/3/2007 को जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी नहीं भेजे जाने के कारण दिनांक 31/5/2013 को निरस्त कर दिया गया। अतः यूजर एजेंसी को प्रस्ताव पुनः ऑनलाइन माध्यम से परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हो सके। इलाके के लोग सड़क न होने का दुखड़ा लंबे समय से रो रहे हैं।
आइए आपको कुछ लोगों की बात सुनाते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सड़क जल्दी बने। गर्भवती महिलाएं डिलीवरी पीरियड में सही समय पर हम न तो इनको केलादेवी पहुंचा सकते और न करणपुर पहुंचा सकते। रास्ते में ही कई बार डिलीवरी हो जाती है, रोड नहीं है इसलिए हमको कई बार चारपाई पे ले जाते हैं, चार आदमी लग करके चारपाई में, और जच्चा बच्चा जो औरत है डिलीवरी वाली महिला है उसको खाट पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या सिर्फ गर्मियों में होती है। मौसम कोई भी हो, डांग क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए बेजार होना पड़ता है। चंबल के बहने के बावजूद धौलपुर में हमारा जो वाटर टेबल है वो गिरता जा रहा है, जबकि सब जगह ऐसी भ्रांति है कि चंबल के होने के बावजूद धौलपुर में पानी बहुत होगा। बट आपको बताता हूँ कि चंबल जो है हमारे से 400 मीटर डाउन है, इसलिए हमारे वाटर टेबल को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही चंबल। चंबल का जितना वाटर टेबल का इफेक्ट आता है वो आता है मध्य प्रदेश के अंदर। समस्या है तो समाधान भी होगा। आखिर क्या किया जाए कि डांग क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दूर हो? इलाके के विधायक की बात सुनते हैं, वो कुछ पारंपरिक तौर से समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। दूसरी काली तीर योजना हमारी बनी है जल जीवन मिशन में, उसमें क्योंकि इन डैमों में अब पानी हो जाएगा तो पानी पीने के लिए बाड़ी और सरमथरा, बाड़ी के पूरा शहर और सरमथरा के 100 गांवों में 840 करोड़ की ये परियोजना है, जिससे ये पानी बाड़ी शहर और 100 गांवों में सरमथरा जहां पथरीली जमीन है, जहां नीचे पानी मिलता नहीं है, वहां पर ये पानी जाएगा। ये दूसरी काली तीर योजना है। और एक काली तीर हमारी जो योजना 640 करोड़ की है, जिसका टेंडर हो चुके हैं, जिस पे काम जल्दी शुरू होने वाला है, अगले महीने से काम जल्दी शुरू हो जाएगा, वो 1.5 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा और वो हम पानी इसमें डाल रहे हैं किसमें, पार्वती डैम में, और वही पानी को हम लेके जा रहे हैं राजाखेड़ा के आखिरी छोर तक, जिससे धौलपुर और राजाखेड़ा में वाटर टेबल की जो समस्या है, जो पानी नीचे गया है, उस समस्या को हम दूर करेंगे इस काली तीर योजना से। राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान का राजनीतिक चलन है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, यानी अगर बीजेपी की हो तो कांग्रेस की आ जाती है, कांग्रेस की हो तो बीजेपी की आ जाती है। 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, उसके 5 साल पहले कांग्रेस की, उसके 5 साल पहले बीजेपी की, पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वे पूरा जोर लगा रहे हैं कि फिर कांग्रेस आए, इसके लिए कई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं। मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त मोबाइल तक का ऐलान किया जा रहा है। डांग क्षेत्र के पिछड़ेपन से आहत सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह की चुनावी चाशनी बांटने पर भरपूर नाराजगी जताते हैं और आम लोग भी या कोई भी खुश नजर नहीं आता। मोबाइल पहली जरूरत नहीं है, पहली जरूरत तो पानी है ना। जिस राज्य में इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में 300-300 गांव में बिजली और पीने का पानी नहीं है, ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री साहब मोबाइल फोन बांट रहे हैं, प्रायोरिटीज कहाँ चलेंगी सबकी? ये इलेक्शन के टाइम पर फ्री बांटने का जो ये सिलसिला चालू हुआ है, ये 4.5 साल से कहाँ था? और ये लोग जो 75 साल से यहाँ बैठे हैं, आपकी सरकारें रही हैं, इनको इनका कोई धनी दौरी ही नहीं। डांग क्षेत्र में आखिर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई हैं? इसके लिए किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही किसी एक पार्टी को। इतिहास पर नजर डालें तो 1952 से अब तक यहां 15 सरकारें बनी। पहली 5 कांग्रेस सरकारें थीं, यानी कि 25 साल तक राजस्थान में कांग्रेस ने रूल किया। 1977 में 6ठी सरकार जनता पार्टी की बनी, जो महज 3 साल रही। 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा, इसी साल कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी और लगातार 2 बार यानी कि फिर 10 साल रूल किया। 1990 में बीजेपी और जेडी की सरकार बनी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1993 में राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लगा, चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता में आई, 1998 में कांग्रेस आ गई। इसके बाद की बात करें तो 2003 में बीजेपी आई, फिर 2008 में कांग्रेस आई, 2013 में बीजेपी आई और पिछली बार 2018 में कांग्रेस आई। तो
तो ये सिलसिला है सरकारों के आने और जाने का, यानी कि 1952 से 2022 तक के 70 साल में 50 साल कांग्रेस ने रूल किया और 20 साल भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने। सरकार जिस भी पार्टी की बनी, जितने साल भी रही और जो भी मुख्यमंत्री बने, जिन पर भी डांग क्षेत्र के विकास का जिम्मा रहा, वे यहाँ विकास नहीं कर पाए। मेरा सरकारों से निवेदन है, सीरियस हो जाए। ये लोग भी आप ही के राजस्थान के हैं, आप इनको भी देखिए। और जितने भी नेतागण है ना, वो वहां जाते हैं जहां पे या तो हेलीपैड होता है या बिस्लेरी की बोतल होती है या कन्वीनियंस होती है, जहां पर 9 किलोमीटर चलने के लिए 2.5 घंटे लगते हों, वहां तो ये कभी जाते ही नहीं। भूल जाते हैं कि ये लोग भी यहीं के बाशिंदे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ये सब अपने वोटिंग कार्ड से जला दें। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा आप सबको कि जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती, पानी और बिजली नहीं दे पाती, वहां हर 5 साल वोट लेने के लिए एक पोलिंग बूथ बन जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर पहुंच जाता है, सिस्टम पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसके बाद 5 साल तक आप सब भूल जाते हैं। मेरा निवेदन है सरकारों से, खास करके जो एग्जिस्टिंग सरकार है, कि इतने पैसे मोबाइल फोनों में बांट रहे हो, पानी और बिजली दे दो, यहाँ के लोग आपकी दुआएं देंगे। तो ये रही पूर्वी राजस्थान के डांग इलाके में बिजली सड़क पानी की समस्या की बात। पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या पर कैसे काबू पाया गया, अगली रिपोर्ट में। यानी कि राजस्थान के एक हिस्से में पानी की समस्या है, तो एक हिस्से में उस समस्या पे काबू भी पाया गया है, उसको लेकर आएंगे।